मेवात में नशाखोरी पर शिकंजा कसने में पुलिस का सहयोग करें मुस्लिम धर्मगुरु। डीएसपी से मुलाकात कर दिया आश्वासन। मेवात क्षेत्र में फैल रहे नशाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए मुस्लिम समाज के धर्मगुरु सामने आए हैं, जिन्होंने आज सोमवार को तावडू डीएसपी से मुलाकात कर इस सामाजिक अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस सहयोग का आश्वासन दिया। पुलिस ने भी धार्मिक धर्मगुरुओं इस पहल का स्वागत किया है। बता दें कि तावडू डीएसपी से मिले मुफ्ती मोहम्मद हासिम, मौलाना हारून मोहम्मद अरसाद शेर मोहम्मद, मौलाना दिलसाद कारी साहिद, नियाज फारूक मोहम्मद, उस्मान मोहम्मद हसन, हाफिज सिद्दीक, मौलाना खुर्शीद आदि ने कहा है कि समाज में विभिन्न प्रकार की गंभीर बुराइयां फैल रही हैं, जो चिंता का विषय है, जिसमें मुख्य रूप से नशाखोरी है। मेवात क्षेत्र के नौजवान सबसे ज्यादा इसकी गिरफ्त में है। नशे के आदि नौजवान अश्लीलता फैलाने और चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नशाखोरी के कारण ही समाज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उन्होंने माना है कि नशा सभी अपराधों की जड़ बनता जा रहा है। मेवात समाज के युवा सबसे ज्यादा नशाखोरी में संलिप्त तो होते जा रहे हैं। नशे से जुड़े कारोबार पर शिकंजा बेहद जरूरी है और जो सभी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करना भी सभी का कर्तव्य बनता है। इसी उम्मीद के साथ तावडू डीएसपी मुकेश कुमार से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बता दें कि नशाखोरी पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के सहमति बनी है। वहीं तावडू डीएसपी मुकेश कुमार ने मुस्लिम समाज के धार्मिक धर्म गुरुओं की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि आज सोमवार को करीब एक दर्जन से अधिक धार्मिक लोग मिले, जिन्होंने क्षेत्र में नशाखोरी पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए पुलिस सहयोग मांगा है, जिसमें नशाखोरी के साथ साथ गौकसी पर भी अंकुश लगाने में पुलिस सहयोग करने का आश्वासन किया गया। डीएसपी ने कहा है कि नशाखोरी में लिप्त लोगों की सूची मांगी गई है, साथ ही साथ जो युवा नशा छोड़ना चाहते हैं उसके लिए भी पुलिस सहयोग करने के लिए तैयार है। डीएसपी ने कहा है कि नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पहले से कार्रवाई कर रही है। यदि क्षेत्र में धार्मिक लोगों का सहयोग मिलेगा तो लगाम लगाने में आसानी होगी। धर्म गुरुओं द्वारा ऐसे अपराध और सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए सामने आने से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। आप देख रहे हैं तावडू से शाहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सर क्या मामला था सर ये? देखिए, तावड़ू क्षेत्र के जो मस्जिदों के मौलाना मिले थे मुझसे अभी, तो उन्होंने एक जो सामाजिक बुराई है नशे के बारे में मेरे से बात की है कि नशा जो फैल रहा है एरिया में उसको कैसे कम किया जाए। तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि जो लोग नशा कर रहे हैं, जो नशे के आदी हैं, उनकी जो कोई लिस्ट हमें प्रोवाइड कराए, जो इसको छोड़ना चाह रहे हैं स्वेच्छा से या जिनके परिवार वाले चाह रहे हैं छोड़ना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों का इलाज कराएंगे, नशा छोड़ने में भी मदद करेंगे। और दूसरी जो क्षेत्र में जो लोग नशा बेच रहे हैं, जो सप्लायर हैं, उनकी सप्लाई चेन को भी हम काटने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा है और अब भी जो मौलाना है क्षेत्र के, उनकी मदद से ऐसे लोगों को पकड़ के हम नशे पर रोक रहे हैं। आज जो हम डिप्टी साहब से मिले हैं, उसमें चंद चीज़ें हमने डिप्टी साहब के सामने रखी हैं। उनका जो बुनियादी बात है वो ये है कि भाई समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही हैं, वो किसी न किसी तरीके से उन बुराइयों पर काबू पाया जाए। सबसे बड़ी बुराई तो समाज में इस वक्त में नौजवानों में फैल रही है, जिसने पूरे समाज को बिगाड़ कर रख दिया है, वो है नशा। अब मुख्तलिफ तरीके के जो नशे समाज में राइज हो चुके हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है और उसी नशे की वजह से बहुत सारी बुराइयां दूसरी भी जन्म ले रही हैं, जैसे कि गांव में चोरी की वारदातें, जैसे कि गांव में बेहयाई की वारदातें, जैसे कि गांव में डीजे बजना, जैसे लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़ा होना, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये नशे की वजह से हो रही हैं। इनको हमने सब बातों को डिप्टी साहब के सामने खुल कर रखा है। हम बारहा डिप्टी साहब से मिलते रहे हैं सामाजिक मसाइल को लेकर, और वो इन बातों में हमारा बहुत तावन भी करते हैं और यकीन दहानी भी कराते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। हमें आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह समाज सुधार के कई
पुलिस प्रशासन और खुशूस मुफ्ती साहब मुताबिक होंगे और इस पर भी काबू पाया जाए। तो इस बात को लेकर डिप्टी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? डिप्टी साहब ने पूर्ण तौर से हमें आश्वासन दिया है और यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द इसके लिए मतलब गांव-गांव जाकर मेहनत की जाएगी और गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया भी जाएगा और जो भी नशा करने वाले हैं और जो नशा बेचने वाले हैं दोनों तबकों को समझाया भी जाएगा और जो समझाने से बाज नहीं आएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।